अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं अलिफ स्कूल का प्रिंसिपल खालिद इकबाल आपसे मुखातिब हूँ। कोरोना पेंडेमिक की वजह से स्कूल की छुट्टियाँ हैं, काफ़ी सारे पेपर्स हो गए फाइनल एग्ज़ाम के, कुछ पेपर्स रह गए, हम माजरत ख्वाह हैं, वो पेपर नहीं हो सकते, इसलिए हमने डिसाइड किया कि सब बच्चों को अगली क्लासेस में प्रमोट करके घर से ऑनलाइन पढ़ाई शुरू की जाए। ऑनलाइन पढ़ाई के लिए हमने यूट्यूब का चैनल अलिफ स्कूल प्रवा के नाम से खोला है। उस चैनल पे हम हर क्लास का एल्बम क्रिएट करेंगे और उस एल्बम में डेली बेसिस पे वीडियोस अपलोड होंगे। आप वालदैन और बच्चे मेहरबानी करके मिल के वो वीडियोस देखें, क्योंकि उन वीडियोस में हम रीडिंग करेंगे, टेस्ट्स देंगे, वो टेस्ट आपको स्कूल से ऑफिस से उठाने पड़ेंगे और स्कूल ऑफिस में दोबारा डिपॉजिट करने पड़ेंगे। वालदैन तसल्ली करेंगे कि बच्चे चीटिंग ना करें टेस्ट देते हुए। इस तरह हम होमवर्क्स देंगे और नोट्स देंगे जो कि ऑफिस में अवेलेबल होंगे। बच्चों के लिए एक क्लियर बैग आपने लेना है। क्लियर बैग छोटा सा बैग होता है, आप कहीं से भी मिल जाएगा, ठीक है जी। इस क्लियर बैग में फिर उनके नोट्स और जो भी चीज़ें ऑफिस में आपको हम देंगे वो उसमें, हर सब्जेक्ट के लिए अपना एक क्लियर बैग हो उसमें आपको रखा करें। उसके अलावा आपको बुक्स की ज़रूरत नहीं है। इन वीडियोस का एक और फ़ायदा ये है कि जब तक आपके माली हालात आपको इजाज़त नहीं देते तो आपको बुक्स लेने की भी ज़रूरत नहीं है। वीडियोस में बाकायदा बुक्स से हम रीडिंग करेंगे तो बुक्स तो आपके सामने आ जाएंगी। और फ़ायदा इसका यह है इन वीडियोस का कि बच्चा बार बार देख सकता है, उसको एक दफ़ा समझ नहीं आई तो आप उसको पॉज करके दोबारा प्ले कर सकते हैं और पीछे लेके जा सकते हैं वीडियो, आगे लेके जा सकते हैं, तो बार बार बच्चा देख सकता है। ये वीडियोस YouTube पे भी अवेलेबल होंगी और USB के में भी होंगी ऑफिस में, तो आप अपना USB ला के भी उनमें वीडियोस सेव करके घर में लैपटॉप या कोई भी डिवाइस है आपके पास, फ़ोन है, उस पर आप बच्चों को दिखा सकते हैं। तो अगर आपके पास नेट नहीं अवेलेबल होता घर में तो इस तरीके से भी आप वीडियोस देख सकते हैं, USB में सेव करके वीडियोस घर में देख सकते हैं। पुरानी कॉपियां और किताबें आप स्कूल में जमा कर दें। इन केस किसी बच्चे की किताबें आपके काम आ सकती हैं या आपके बच्चे की किताबें किसी और बच्चे के काम आ सकती हैं, तो इसके लिए फिर आप सब वालदैन को किताबें पुरानी अपनी स्कूल में जमा करनी पड़ेंगी। और अगर आप चाहते हैं कि मेरे बच्चे के पास नई बुक्स हों तो जल्द अज जल्द स्कूल जाके ऑफिस में ऑर्डर दें ताकि 3-4 दिनों में आपके बच्चे की नई बुक्स आ जाए। थैंक यू वेरी मच।